वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। जी हाँ, आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ ट्रिपल क्लेंजिंग मेथड के बारे में। अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बाहर के जो यूट्यूबर्स हैं वो लोग ट्रिपल क्लेंजिंग मेथड अपना रहे हैं और उसके कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं उनको शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा सब कर ही रहे हैं तो मैं भी करके देख लेती हूँ। डबल क्लेंजिंग के बारे में तो सबने ही सुना है, मैं ऑलरेडी वीडियो भी कर चुकी हूँ और मैं डबल क्लेंजिंग करती भी हूँ और रोज़ नहीं कर पाती तो कभी कहीं बाहर जाती हूँ, मेकअप करती हूँ तो मैं हमेशा इसको करती हूँ, मतलब वंस और ट्वाइस ना वीक करती ही हूँ, काफ़ी अच्छी होती है। तो अब है ट्रिपल क्लेंजिंग मेथड। तो आज की वीडियो में मैं यही इसी बात में बात करने वाली हूँ कि ट्रिपल क्लेंजिंग मेथड होता क्या है, कैसे करते हैं और एक जो नया स्टेप इसमें ऐड होता है वो कौन सा है, कैसे करते हैं, इसके रिजल्ट कैसे मिलते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में करूँगी। तो चलिए अब देखते हैं कि एक ट्रिपल क्लेंजिंग मेथड में करना क्या है। मैंने जब भी ट्रिपल क्लेंजिंग को सर्च करके देखा तो यूट्यूब पे अलग 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 टाइप से किया हुआ था, गूगल पे अलग बताया हुआ है, इंस्टा पे आप देखोगे तो अलग टाइप से बताया गया है। तो मतलब मुझे ये समझ आया कि आपको तीन स्टेप में स्किन को क्लीन करना है। तो आप या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप क्लेंजिंग मिल्क या माइसेलर वाटर या फिर जो क्रीम्स आती हैं क्लेंजिंग की उसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आप ऑयल क्लेंजिंग कीजिए और जो थर्ड स्टेप रहेगा वो आपका फोबिंग क्लेंजर रहेगा, मतलब आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरी स्किन पे ना ही जो क्लेंजिंग मिल्क्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, वो बिल्कुल भी सूट नहीं करती हैं, मुझे बहुत जल्दी दाने हो जाते हैं। तो मैं क्रीम क्लेंजिंग मिल्क वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ये कोकोनट ऑयल अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑयल ले सकते हो, मुझे कोकोनट ऑयल सूट करता है तो आप कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, अगर आप नॉन कॉमेडोजेनिक चीज़ें यूज़ करना चाहते हो तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल कर सकते हो, या फिर आपको जो भी ऑयल सूट करता है आप अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये लिया है कोकोनट ऑयल, अब मैं अपनी स्किन को क्लीन करूँगी। वैसे तो मैं ऑयल को मसाज करना चाहिए पर मैं डायरेक्ट कॉटन पे लेके अपने फेस को साफ कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन पे कोई भी मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं है। तो और अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह है तो आप ऑयल से अच्छे से मसाज कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा ऑयल क्लेंजिंग का, आप उस भी चेक कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में मैं ले रही हूँ ये हिमालया के फेशियल वाइप्स, जो ये भी बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन करते हैं। तो बहुत सारे लोग सेकेंड स्टेप में ये फेशियल वाइप्स भी यूज़ करते हैं तो मैं यही वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। ये वाइप्स मेरी स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, मैं इनको काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। तो मेकअप रिमूव करने के लिए ये वाइप बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो इससे आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और सारी गंदगी आपके इसमें आ जाएगी। इतनी गंदगी मेरे फेस पे है नहीं क्योंकि मैं घर पे ही हूँ तो कहीं से डस्ट लगने का सवाल ही नहीं उठता, पर अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हो तब ये करते हो तो आपका पूरा शीट काला हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फोमिंग क्लेंजर यूज़ करना है। फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का कॉफ़ी एनर्जाइजिंग फेस वॉश, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी करूँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी मैं अपने वीडियोज अपलोड करती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया, इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। इसके बाद आप जो भी टोनर यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ये एप्पल साइडर विनेगर का टोनर घर पर बना के यही यूज़ करती हूँ, ये मेरी स्किन में बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप टोनर लगा लीजिए, इसके बाद जब टोनर आपका थोड़ा सा आपकी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, फिर आप मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ।
मैं एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आपको जो भी मॉइस्चराइजर अच्छा लगता हो आप वो यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा पूरा स्किन केयर जो कि मैं एवरीडे करती हूँ, क्योंकि मेरा फेस काफ़ी क्लियर लग रहा है और मुझे भी बड़ा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि स्किन पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और कोई भी चांसेस नहीं है कि मेरी स्किन पर कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इतनी क्लीन है, पोर्स क्लीन है। तो अब बात करते हैं ट्रिपल क्लेंजिंग कब करना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, ट्रैवल करना होता है, बहुत ज़्यादा मेकअप करना होता है, आपको कुछ ऐसा प्रोफेशन है आपका बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करना होता है, तब तो आप इसको एवरीडे कीजिए, एक टाइम कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों टाइम कर रहे हो, एक टाइम करो सफिशिएंट है। और आपको ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता है, ज़्यादातर आप घर पे ही रहते हैं और आपको बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की कांटेक्ट में आप नहीं आते हो, तो आप इसको दो बार वीक में कर सकते हो अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो बात करते हैं क्या सारे स्किन टाइप्स वाले इसको कर सकते हैं। तो वैसे तो सारे स्किन टाइप्स वाले कर सकते हैं, पर अगर आपको एक्ने हैं, छोटे छोटे दाने हैं, तब अपने स्किन पे इतना सारी चीज़ें मत करो, बस फेस वॉश करो वो भी हल्के हाथों से, नहीं तो जो भी दाने हैं, पिंपल्स हैं, वो बढ़ जाएंगे। कई बार ऑयल से भी पिंपल एक्ने बढ़ जाते हैं। तो अगर आपकी स्किन स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तब आप इसको इसको करें। अगर आपकी स्किन पर कोई भी कट वगैरह है, कोई एलर्जी वगैरह है, तब भी इसको नहीं करना है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।